FM पे मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा राज जोंस, और आज मेरे स्टूडियो में मौजूद है द वेरी टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत ही स्टाइलिश दिखने वाले मेरा भाई सुखी। तालियां, अरे तालियां बजाओ लड़की, मेरे भाई तालियां बजाओ सुखी के लिए। तो भाई की हालचाल? बहुत बढ़िया जी। दोस्तों अच्छा, बहुत बढ़िया मामू भाई। तो गाना ना भाजी आपका ऑल ब्लैक? जी ऑल ब्लैक, नाम बड़ा यूनिक लगा मुझे। तो भाजी पहले तो नाम के बारे में बताओ। ऑल ब्लैक मेरा यार फेवरेट है, काला रंग बहुत ज्यादा फेवरेट है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग रेसिस्ट और समथिंग, मतलब थोड़े लिबास ठीक है जी, कोई चीज लेने लाइक कपड़े ठीक है जी, थोड़े कार लेनी है तो काला रंग, मतलब हर चीज ब्लैक, मोस्टली ज्यादातर लोग काला पसंद करते हैं। सो ऑल ब्लैक। तो मतलब फेवरेट कलर कौन सा आपका? काला। काला ही है जी। और मतलब ज्यादातर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं उनके ज्यादातर कलर ब्लैक और व्हाइट होते हैं जी, तो आपका ब्लैक है? बिल्कुल। तो ठीक है भाई, गाना पहले तो आप थोड़ा बताओ गाने के बारे में, थोड़ा गा दो, मैं तो बोल रहा हूँ। चलो दो लाइन गाता हूँ ठीक है जी। ठीक है। काली काली ऐन का काले काले शू लेके गड्डी काली काली तेरी गली वाड़े दा, बच्चे बच्चे विच हिट कुड़ियां दा ब्रैड पिट, मुंडा जट्टा दा जवाई दू बना लै घर दा। जी भाई जी। तो मुझे यार देखो इतने सारे कलर हैं, आपका फेवरेट कलर है ब्लैक, तो आइडिया कैसे दिया दिमाग में कि यार इसके ऊपर गाना बनाता हूँ? एक्चुअली आइडिया हैगा है जिन्होंने जैगो वाले कहती जानी, ठीक है जानी का आइडिया था ऑल ब्लैक। रफ्तार तो कोई सीन नहीं गाने जो स्नाइपर बनाया सारा मिली भगत सी है ना। सो ये गाने के ऑलरेडी बना रहे थे गाना, मेनू नहीं पता किसी फीचर करना या मेरा सिंगल ही आएगा, बट रफ्तार दी मेरा गल हुई, गल तो होंदी रहिंदी है। सो कहिंदा कुछ है आप करदे आ यार, बहुत टाइम हो गया हुण। सो फिर उस तो बाद उन्होंने ज्यादा गाना भेजा, वह कहिंदा हुण ये करना ही करना है। उन्होंने इन्ना पसंद आया, एक स्क्रैच भेजा सीगा, से इदां फिर असीं जुड़ गए इस गाने दे नाल फिर दोबारा जी। तो भाजी रफ्तार के साथ आई थिंक आपकी बहुत पटती है जी, तो मतलब कैसा रहा, मतलब कैसा माहौल रहता है जब आप शूट कर रहे होते हैं, जब बात करते हैं यार भाजी मतलब करना है कुछ करना है क्या करना है? रफ्तार ना यार कुछ कोई मैनेजमेंट इदा दिन कोई इशूज नहीं होंगे, किसी आर्टिस्ट ना काम करते चलो इशूज आ जाते। हाँ। रफ्तार है भरा ठीक है जी, बाकी मैनेजमेंट अपनी जगह, भरा अपनी जगह ठीक है जी, असं एज ए ब्रदर काम करते हैं, शुरू तो करते हैं तो हमेशा करेंगे। सो हसी मखौल चलता है ठीक है जी, जो दिल की गल मूँह देते होंगी है, कोई फेक नहीं कुछ अटेंड नहीं करते हैं। मयूर कटारिया करके बंदा कोई जी, वो आई थिंक दिल्ली में मयूर ऑब्सेशन बाय मयूर राइट, तो इन्होंने सारा आपका जेडे मेरे रफ्तार दे आउटफिट्स है वो मयूर ने डिजाइन किए, जबरदस्त ने यार कपड़े बहुत जबरदस्त। तो सिर्फ इस गाने के लिए मयूर भाई ने करा या बाकी मतलब ऑल टाइम मयूर कर रहा है? रफ्तार दे काफी आउटफिट उन्हें डिजाइन किए होंगे, तो मेरे आगे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं या कुछ फोटोशूट्स आ रहे हैं तो उन्होंने काफी कुछ मयूर ने किया ठीक है। और वैसे जो अभी माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं, कपड़े बहुत अच्छे पहने, तो ये कहां से लेते हो कपड़े? यार देखो मैं नॉट ए ब्रांड गाय ठीक है जी, मैं इतना ज्यादा इनटू ब्रांड नहीं है कि हाँ ब्रांड मैंने पसंद है कपड़े लेने हैं कुछ, या मैं महंगे कपड़े माने हैं। सो इंटरनेट सब तो बेस्ट चीज है ठीक है जी। सो ही शिपिंग वगैरह करवा के मंगवा लेने। तो भाजी अगर किसी बंदे को आपकी तरह मतलब स्टाइल फॉलो करना है तो एक बार कैमरा में देख के बता दो कि कहां से वो ले क्या करे। यार कुछ नहीं है, बस अपना ऑनलाइन सर्च करो जिदा के कपड़े पाने हैं, या किसी आर्टिस्ट नु कॉपी कर रहे हैं किसी कुछ भी जो भी, बस सर्च करो क्लोथिंग जो साइट सारियां खोलो जेडे कपड़े पसंद है शिप कराओ। ठीक है भाजी, ऑल ब्लैक के बारे में कुछ और आप कहना चाहते हो, कोई और स्टोरी इसकी? हाँ ऑल ब्लैक के बारे ऐसा कोई खास स्टोरी नहीं है, हमेशा गाना गड्डी दे उत्ते ही आ। हाँ। गेड़ी रूट सॉन्ग ही है, क्योंकि अपना होंगे कि आप गाना चलाना गड्डिया ठीक है जी। हाँ। सो गेड़ी रूट सॉन्ग ही है, बट जिदा साड़ी वीडियो दे विच कार नू ही प्रायोरिटी दी जाती है ज्यादा जी, कार दे मूहरे खड़े हो गए आ गल है वो गल है, ये आप ज्यादा कार का यूज नहीं किया है ये वीडियो विच की है, सारा परफॉर्मेंस बेस्ड गाना जिदा स्नाइपर परफॉर्मेंस बेस्ड गाना सी उदा ही ये परफॉर्मेंस, क्योंकि जैगवार परफॉर्मेंस बेस्ड गाना नहीं सीगा, वो एक एक्ट दिखाया हुआ सी आपां या कोई स्टोरी लाइन अप सीगा, ये फिर एक स्टोरी बेस्ड छोटी स्टोरी विद परफॉर्मेंस। तो भाई गाना मैंने सुना है मुझे काफी अच्छा लगा, तो गाना सुपर हिट होगा हम दबा के प्ले करेंगे ठीक है। बिल्कुल। तो आप भाई थोड़ा लाइफ के बारे में आपके बात करते हो, आप ज्यादा क्या एंजॉय करते हो, म्यूजिक या सिंगिंग?
यार देखो मैं म्यूजिक ही इंजॉय ज्यादा करदा क्योंकि म्यूजिक एंड सिंगिंग कट्ठे ही जुड़ जाते हैं, स्टार्ट म्यूजिक तो ही होंगे ने उस चीज़। सो आई एम म्यूजिक गाय, पहला मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही काम शुरू किया, ठीक है। सो ऑल द टाइम आई एम इनटू म्यूजिक, सारा टाइम अपने गाने बनाने बारे नहीं सोच रहा था, कीप ऑन मेकिंग बीट्स एंड ऑल। सो एंजॉय म्यूजिक तो मोर। सिंगिंग कैसे हो गई या मतलब आपने सोचा कि कर लेता हूँ? यार देखो पहला भी ये मैं जवाब दिता सीगा कि जदों एक चीज दे विच परफेक्ट हो जाइए ना, देन आपां नूं नेक्स्ट चीज वल प्रोसीड करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक पैर इधर तो एक पैर इधर, ठीक है, उन्हें की होंगे अद्धा अद्धा हो जाता सब कुछ। सो आप एक एवरेज बंदे बन के नहीं लाइफ दे विच जाना, आपां एक बनना है कि हाँ 100% सानूं पता है, आपां 100% किसी चीज का नहीं होंगे, आप जिन्ना मर्जी जोर ला लीए बट आप परफेक्ट हो गए जाना। सो जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर हो गया, सैट हो गया, मेरा काम वधिया हो गया, तो उद तो बाद ही डिसीजन लिया कि हाँ हुण परफेक्ट टाइम है कि आप जो तो भी जेड़ी चीज होंगी परफेक्ट टाइम होंगे, राइट। चलिए भाजी, गाना आपका जगवार इतना सुपर हिट हुआ था, सुना उसका पार्ट टू भी आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताओ यार। हाँ जैगुआर नेट टू, पे काफी बात चल रही है कि जगवार टू कई इमेजेस ही बन गए, कुछ फेक है कुछ। अच्छा जिन्नी इमेजेस आ रही हैं सारियां फेक है, ठीक है जी। जैगर टू हाँ आइडिया बन गया है, ठीक है जी, बट आप बारे कुछ नहीं सोचा कि आप कदों लॉन्च कर रहे हैं कुछ। ओदे तो पहला अजे सहारा टू लॉन्च होना है, बुहिमिया भाई का गाना है सी सहारा, ठीक है जी। हाँ जी याद है, मैं गाना सुनता हुंदा सीगा कि ये बच्चे गाना बच्चे तो हर कोई किसी बंदे ने गाना वो सुनया है, सहारा काली दे नाल ही सहारा ये गाना सुने। सारा सो वो बंदे का सुन के मैं फैन होया सी, वो बंदे दे नाल वही गाने का पार्ट टू मैं नाल कर रहा। सो मेरे लिए जैगोर तो ज्यादा वड्डी अचीवमेंट ये है ठीक है ठीक सहारा टू है ना, बींग पार्ट ऑफ सहारा टू। सो मेरे ख्याल तो ऑल ब्लैक तो पहला वो लॉन्च करा, जैगर टू अजे नहीं, कोई अच्छा आइडिया नहीं कदों लॉन्च। सो अजे ए तो बाद हॉट न्यूज होगी सहारा टू ठीक है जी। भाई। जैसे सारा टू आप दोबारा भूमि पाजी के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल इस पर बात करते हैं। एक मुझे फेसबुक से आता है कि एक अभी आपकी फोटो एक वायरल हुई थी जिसमें बहुत मोटे थे जी, और भूमि वो क्या रियल में क्या सीन उसका? बिल्कुल जी, वो लाइक 5 तो 6 साल पुरानी फोटो आ, मेरे ख्याल 2010 की फोटो आ। उदो भाजी नूं फर्स्ट टाइम मिलिया सीगा, मेरे कजन ने गीता बैंस उन्होंने नाल गाना आया थी भाजी का, सो उन्होंने थ्रू मैं मिलिया थी। अवर 104 kg राइट, दैन उदो 104 किलो सीगा, हाँ लिखो सर। ते उदो मैंने भाजी ने कहा सीगा कि हाँ वधिया करदे पे काम, थोड़ा बहुत सुनाया सीगा, पर मैं भाई ने कदी काम की गल नहीं की। उस तो बाद हुण जैगुआर दे टाइम ही काम की गल की, मिलते जुलते तो रहे हैं, ठीक है जी, शोज ते मिलते रहे, कैनेडा मिले हैं बथेरी बार मिले, बट कोई काम की गल नहीं की। फिर मैं उदो 40 किलो लूज किया, ठीक है जी, फिर लोगों ने फोटो वो वाली जो हूँ प्रेजेंट वाली फोटो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है जी, ठीक है। तो भाई अब बताओ सहारा टू ये क्या बड़ा गाना आने वाला है? सारा टू बहुत बड़ा, पर इन गल नहीं करा अजे, मैं अगली बारी टाइम जब आऊंगा ना तो ठीक है फिर ज्यादा गल्ला करा तू ज्यादा गल्ला करेंगे, उदो तक थोड़ा इन पॉलिश कर लेंगे, है ना ठीक है जी। भाई बुढ़िया पाजी के साथ काम कर लिया, रफ्तार पाजी के साथ काम कर लिया, अभी गाना आया था प्रधान के साथ जी, तो इसके प्रधान के बारे में बताओ जरा कुछ। भाई प्रधान प्रधान इज ए आर्टिस्ट जिसको भुइमिया भाई साहब कहते हैं कि मैं इस आर्टिस्ट को सिर्फ सुनता हूँ अपने बाद, अगर मैं किसी को रैपर को सुनता हूँ तो वो प्रधान है। सो एक लेजेंड ये गल कह रही है, तो मेरे ख्याल तो मेनू तो मैं तो कितने स्टैंड भी नहीं करता क्या बोला। प्रधान दे नाल आ रहा है बुहिमिया भाजी के 2 ट्रैक्स, ठीक है जी। प्रधान बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है, लिरिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे बहुत ट्रैक्स उहदे नाल आ रहे हैं। सो हुण भी अज भी बॉम्बे है, वो कुछ कर रहे हैं बहुत वड्डा, जिन्हें डिस्कलोज नहीं करूंगा। सो प्रधान वन ऑफ द नेक्स्ट कमिंग बिग थिंग आर्टिस्ट, बिग थिंग्स नहीं लेजेंड, लेजेंड सो लेजेंड आएगी। भाई आप इंजीनियर थे? मैं इंजीनियरिंग एडमिशन ली है, हाँ। ठीक है जी, बट मैं टाइम नहीं दे पा रहा जी म्यूजिक नू। हाँ। मैं 12th नॉन मेडिकल की इंजीनियरिंग सेगा, बट मैं वही 2 मंथ बाद ही स्किप करके मैं BSc इन ग्राफिक्स एडमिशन ली, क्योंकि मैं उद्देश्य टाइम नहीं दे सकता जी म्यूजिक नू। सो मेरी पहली प्रायोरिटी था म्यूजिक ही सी, ओके ठीक है जी। जो प्रधान है ये भी इंजीनियर था? प्रधान भी ये मैंने देखा कि दुनिया में जितने भी क्रिएटिव और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं सारे इंजीनियर हैं, छोड़ के फिर अपने अपने जो लोग करना था वो करते हैं, कभी सोचा आपने मतलब आसपास आपकी कोई है और आपकी तरह? यार देखो पता क्या, मैनू इदा लगता है जेडे बैक बेंचर्स होंगे ना स्कूल दे हाँ। कॉलेज ओ ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करते हैं, है ना। सो ऐसे वो बैक बेंचर्स दे विच आंदे हैं, ते सारे मेरे ख्याल तो जेडे अगे वाले होंगे पढ़ाई विच होंगे ने, बैक बेंचर्स होंगे जेडे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करते हैं। सो इंजीनियरिंग मैं पढ़ता भी सीगा वधिया बढ़िया, अगे भी उन्हें अपनी एजुकेशन पूरी की है, ठीक है जी, ते बट जेड़ा मेन मेरा फोकस सेगा मैं ओदे वली ज्यादा ध्यान दिता, ठीक है। पर ये बैक बेंचर्स मुझे याद है, कभी फेल हुए स्कूल कॉलेज में? नहीं ब्रो, मैं 10th 87% है ICSE बोर्ड, 12th भी नॉन मेडिकल है, IEEE का सिलेक्टेड स्टूडेंट है, बट स्टिल मैं स्टडी नहीं छड़ी, मैं क्योंकि म्यूजिक करना सी, मैं ग्राफिक्स दे विच एडमिशन लिया, बट पढ़ाई अपनी पूरी रखी, ठीक है भाई। मतलब पढ़ाई भी पूरी करी, म्यूजिक भी, शरारती भी सीगे, ठीक है जी। कुछ याद है ऐसे कुछ करा शरारत आपने खतरनाक?
खतरनाक शरारत हर रोज ही स्टेज खड़े होंगे मैं भी दस आप शरारती होंगे ग्रुप बने होंगे क्लास के अगले वाले बच्चे तंग करना जेडे ज्यादा पढ़ाई असं हम बस एग्जाम पढ़ लिया मे बी इन टू कंप्यूटर या उदी दिमाग ऐसा सगा कि हाँ समझ आ जाता एक बार करके कई सारा टाइम पढ़ते रहते रट्टेबाज नहीं सके सो शरारत बथेरिया की बहुत लंबी लिस्टा ने इदा ठीक है जी बाद में डिस्कस करेंगे जब आप सारा टू लेकर आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे भाजी फ्यूचर में और किन किन रैपर्स के साथ आप काम करना चाहते हो यार इदा कुछ नहीं है जिन्होंने मैं काम करना मैं उन्होंने को आ गया इदा कुछ नहीं केड़े रैपर्स नाल काम करना चाहना कि आर्टिस्टा नाल काम करना चाहना बहुत ने मैं जैजी भी काम करना चाहता जैजी भी काम कर रहे हैं जल्दी ही ट्रैक लेके आवांगे ठीक है जी नेहा कक्कर सोनू कक्कर दे नाल भी काम कर रहा है मैं ठीक है जी प्रधान तो चलो है ही रफ्तार बोहिमिया डाने बादशाह भाजी ना मोस्ट प्रोबेबली करांगे इन फ्यूचर मैं ना अक्षय कुमार भाई तो रैप कराना अपने गाने दे विच बॉलीवुड में अक्षय भाजी ने एक वीडियो रिसेंटली जैगुआर दी जैकलीन सरदार सारे बैठे हुए उन्होंने कीता सो मेरा नेक्स्ट टारगेट ही है कि हुण जिहड़ा अगला गाना करना है अक्षय भाजी दे नाल करना है रैप कराना भाई तो ठीक है भाई आपका ग्रुप था म्यूजिकल डॉक्टर्स जी इसमें पांच लोग थे जी तो अभी मतलब फेसबुक पे मैंने कई जगह देखा ट्रेंडिंग हो रहा है कि ये ग्रुप टूट गया क्या स्टोरी है सच सच बताओ आप बताओ यार ग्रुप तब मानते हैं टूटा है जब कोई बंदा उसमें से कामयाब ना हो ठीक है ओके सभी कामयाब है अपने काम में ठीक है मैं अपने काम में कामयाब हूँ जो दूसरा बंदा था वो अपने काम में कामयाब है तीसरा अपने काम में कामयाब है सो सारे कामयाब है तो कोई ग्रुप टूटा नहीं है सभी अपना अपना काम कर रहे हैं डिवाइड कर दिया डिवाइड एंड रूल ठीक है ठीक है भाई बहुत सही जवाब भाई मैंने मुझे पता है कि आज आप आ रहे हो इंटरव्यू के लिए तो मैंने फेसबुक पे अपने पेज पे पोस्ट किया था कि फैंस के क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन है बिल्कुल जी वो स्टार्ट करते हैं जी एक आपका फैन है दीपक वर्मा करके जी इसने पूछा भाई आप किस सॉफ्टवेयर में म्यूजिक बनाते हो ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं यार मैं अलग अलग गाने अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज करता हूँ अगर हिप हॉप प्रोडक्शन करने आई यूज एफएल स्टूडियो ठीक है जी मुझे थोड़ा देसी करना होता है मुझे खुद को मतलब ज्यादा पसंद आता है कि मैं उसमें करूँ मैं क्यूबेस में करता हूँ अगर मैंने मिक्स मास्टर करना है मैंने प्रो टूल्स में करना है सो अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए ओके भाजी भूपेंद्र सिंह रावत है उसका क्वेश्चन है कि प्रीत हंडल के साथ कोई सॉन्ग आएगा फ्यूचर में आपका नहीं यार प्रीत हंडल के साथ कोई सॉन्ग नहीं आएगा फ्यूचर में कोई कोल्ड वॉर कुछ नहीं है बट कुछ डिसीजंस होते हैं लाइफ में कि हाँ हम दो लोग काम नहीं करेंगे लाइफ में सो नहीं करेंगे ठीक है भाजी गुर्जर वीर सिंह और एक अबे कैसनोवा और सनी अरोड़ा भाई इन तीनों का और लोकेश इनका सवाल है कि हनी पाजी हनी सिंह के साथ कोई कोलैबोरेट है फ्यूचर में भाई जिस चीज के बारे में अभी सोचा नहीं है राइट मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इस लेवल के ऊपर आऊँ कि मेरे को खुद आगे अप्रोच करें भाई तेरे साथ काम करना है सो मैंने कभी किसी को जाके नहीं पूछा मैंने कभी रफ्तार को नहीं जाके पूछा मैंने कभी बोहिमिया भाई को नहीं पूछा बस हमारी एक बात हुई है डिस्कस हुई है कि भाई करते हैं ना तो जब कोई ऐसा मौका आएगा सो लेट्स सी क्या बनता है ओके बिल्कुल साद खान पाजी उसका मतलब आप सवाल आपके लिए कि भाई प्रधान से कैसे मिले प्रधान का शो देखने गया था मैं जब मैं अपनी 12th करके चंडीगढ़ आया एक बहुत ज्यादा ग्रुप मशहूर होया सी देसी भीम ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਲੱਬ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਲਿੰਕ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਹਿਮ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੈਪਰਸ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੋ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੇਜ਼ੀ ਜੀ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਕਬ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਫਿਊਚਰ ਮੇਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਥਰੂ ਸਮਵਨ ਥਰੂ ਸਮ ਐਮਟੀਵੀ ਗਾਇਜ਼ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਮੇ ਬੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਓ ਮੈਂ ਸਰਫ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੈਪੇਬਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰੂੰਗਾ ठीक है भाई बढ़िया एक मेरा सवाल है ये मैं आपका फैन हूँ तो मैं तो मेरा सवाल है कि पाजी आपके हेयर स्टाइल में कितना खर्चा आता है यार कोई हेयर स्टाइल दे विच खर्चा नहीं आता क्या कीता है मैं पाजी पीछे देखो पोनी भी है लास्ट टाइम मुझे यार आ देखो एक बार कट करा देता है मैं कैमरा मार भाई देखो ये चेंज कर रहा हूं ना मैं थोड़ा हां एक बार कटा देते हैं दो हफ्ता लोड़ नहीं पैनी है मेरा तो कोई खर्चा नहीं आएगा हेयर केयर का तो कौन है आपका हेयर स्टाइलिस्ट कौन है अच्छा ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਲੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮ ਮੇਰਾ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਨਗਰ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਨਗਰ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਨਗਰ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦਾ। ठीक है भाजी, दिख रही कलाकारी, क्या भाई ने सही करी है। तो भाजी थैंक्स फॉर द इंटरव्यू, जो आपका गाना ऑल ब्लैक वो सुपर हिट होगा, हम उसे दबा के प्ले करेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू भाजी, थैंक्स फॉर द इंटरव्यू, थैंक यू ब्रो जी। जल्दी आ रहा है मेरा गाना ऑल ब्लैक, मैनू तो तुसी पछाणदे होंगे, मैं सुखी म्यूजिकल डॉक्टर्स, ते जल्दी सुनना उन्हूं ओए एफएम दे उत्ते 104.8 दे उत्ते सबसे फिल्मी। सबसक्राइब करो चैनल राज जोन्स दा यूट्यूब चैनल, ते लाइक भी करो, कमेंट भी करो, सबसक्राइब भी करो।